सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 15 बड़ी खबरों में। आपको बता दें कुछ खास खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे आपको बता दें कि यूपी के शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, यानी इसमें अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। और जो गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिला है फ्री वाला, अब इसमें इसकी घोषणा होगी, यानी कब से गैस सिलेंडर मिलेगा इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। और साथ ही अब आपको बता दें 13वीं किस्त 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की कब मिलेगी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको बता दें यूपी के 11,54,000 बिजली उपभोक्ताओं के घर पर लगेगा 4G स्मार्ट मीटर। और इसके साथ ही अभ्युदय योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वहीं पर डेंगू के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जी हां, कानपुर में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया जिसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। वेदर अपडेट में भी एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी आने वाले अगले 24 घंटे में अब आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। वहीं पर अवैध धर्मांतर पर भी क्या बोले हैं योगी सरकार, जानेंगे इस वीडियो में। एक एक खबरें जानेंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 30 नवंबर तक इनके खाते में 2000 रुपए तो आएगा ही। इसके साथ ही 13वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में भी अपडेट आप जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर तीसरे महीने पर 2000 रुपए मिलता है। लेकिन अब आपको बता दें, खाते में अगर आपके पैसे नहीं आए हैं 2000 रुपए 12वीं किस्त वाले, तो 30 नवंबर तक आ जाएंगे। वहीं पर आपको बता दें 13वीं किस्त कब आएगी, योजना के नियम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आती है, वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक आती है। यानी आने वाले समय में आपको दूसरी किस्त मिल रही होगी इस वर्ष की, और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आएगी। ऐसे में 13वीं किस्त जो 2000 रुपए वाली है, वो आपको दिसंबर अंत से लेकर जनवरी तक किसी भी समय पर खाते में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, ई-केवाईसी बेहद जरूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो 12वीं किस्त लोगों को नहीं मिली है और 13वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। इस वजह से 6000 रुपए अगर आपको प्रतिवर्ष चाहिए, तो आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले और दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिलेगी निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षण, गाइडलाइन तैयार किया गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग में नई गाइडलाइन तैयार की गई है। इसमें निजी नर्सिंग कॉलेजों के करीब 12,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 13,030, एमएससी नर्सिंग की 1,094 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 2,460 सीटें हैं, जिस पर अब उनको निजी स्कूलों वालों को भी प्रशिक्षण मिल पाएगा। वही दोस्तों, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, और जिसमें कई सारे बड़े ऐलान के बारे में भी अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराएगी और कुछ अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी लाएगी। तो आपको बता दें, इस अनुपूरक बजट में फ्री गैस सिलेंडर का भी वादा पूरा होगा। जी हाँ, इससे पहले भी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा होली दिवाली में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब अनुपूरक बजट में इसका बड़ा ऐलान होगा, इसका बजट जारी होगा। साथ ही जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला और फ्री स्कूटी का छात्रों को लाभ नहीं मिला है, इन सभी के लिए अनुपूरक बजट में सभी के लिए बजट पेश होगा। उसके बाद छात्र छात्राओं को या फिर आम नागरिकों को गैस सिलेंडर वगैरह का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी में बिना परीक्षा सिलेक्शन का मौका मिला है। 18 साल के आप हैं तो केंद्रीय विद्यालयों में 4014 पदों पर वैकेंसी होगी। या दोस्तों, 20 साल के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मौका है। 40 पद कुल खाली हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री या फिर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए। उम्र उसकी 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। फॉर्म आप भर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पर। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है और इसके लिए फॉर्म फीस 1 भी नहीं लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली है, जिसमें 24 पद खाली हैं। आपको बता दें, क्वालिफिकेशन के लिए साइंस से 12वीं पास होना जरूरी है और ऑक्यूपेशन थेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए। जनरल की फीस लगेगी 350, ओबीसी की 250 और SC ST की 150 रुपये लगेगी। सैलरी आपको 9,300 रुपये से लेकर 37,800 रुपये तक मिलेगा। आप इसको rajasthan.gov.in पर जाकर साइन इन करके फॉर्म भर सकते हैं। वही राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में भी 3,309 पदों पर भर्ती निकली है। आप यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप जरूर ले लीजिए। वही केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग सहित 4014 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र मांगी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, क्वालिफिकेशन सभी पदों के लिए अलग अलग जारी किया गया है। दोस्तों, यहीं पर परिवहन निगम का किराया बढ़ेगा। लाखों यात्रियों को जेब पर पड़ेगा बोझ, क्योंकि प्रतिदिन 17 लाख लोग बसों से सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम भले ना बढ़े हों, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने यात्रियों पर बोझ डालने की तैयारी में जुट गया है। बसों का किराया महंगा करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शासन स्तर पर उसको मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ रेट जनवरी 2023 तक लागू हो सकता है। हालांकि अधिकारियों की मंशा है कि इसको नए साल से पहले ही लागू कर दिया जाए।
वहीं आम नागरिकों को और एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपी के 11,54,000 बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ पर 3G की जगह 4G मीटर लगेगा। जी हाँ, बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि 25,000 करोड़ के 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर का निकाला गया टेंडर भी निरस्त किया जाए, इसको भी 5G आधारित नई तकनीकी से स्मार्ट मीटर बनाया जाए। फिलहाल 4 से 5 गुना बिल ज्यादा आने लगा था, ये कुछ अपडेट था। यानी कि आपको बता दें तो जल्द ही 4G मीटर लगेगा लगभग 11,54,000 परिवारों के घरों में। तो अगर आप भी अभ्योदय योजना का लाभ लेते हैं तो जी हाँ, जान लीजिए मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना 2022 में होगी कंपटीशन एग्जाम की फ्री तैयारी। जानिए पूरा आवेदन प्रक्रिया क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए योगी सरकार ने खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना है, जिसमें आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम तैयारी हो जाएगी, नीट या सीडीएस या फिर जेईई की तैयारी फ्री में मिलेगी। तो आप इसमें आवेदन जरूर कर लीजिए, इसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिलहाल आपको बता दें इसमें NDA, NCC, CDS, TET, JEE या फिर केंद्रीय पुलिस बल, नीट, बैंकिंग, इन सभी की तैयारी आप फ्री में कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना की पात्रता सिर्फ इतनी है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना जरूरी है और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगता है, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और आप आवेदन करते हैं तो आप फ्री में तैयारी कर पाएंगे और एक बेहतर भविष्य के लिए आप अपने जीवन को सफल बनाने में अभ्योदय योजना के साथ जुड़कर कोई खास नौकरी पा सकेंगे। वहीं T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद BCCI का एक्शन हुआ है। जी हां, चेतन शर्मा समेत पूरी चयन समिति बर्खास्त कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने T20 विश्व कप 2022 की हार के बाद अध्यक्ष चेतन शर्मा सहित पूरी वरिष्ठ चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। टीम इंडिया को खिताब जीतने की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया का 15 साल बाद खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। फिलहाल BCCI ने शुक्रवार को ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के 5 पद के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं डेंगू को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि मच्छरदानी ओढ़कर डेंगू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कानपुर के लोग। यह कानपुरिया लोग अन्नू अवस्थी से मौज सीख गए। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कानपुर के लोगों ने मच्छरदानी ओढ़कर शहर में प्रदर्शन किया और प्रशासन के रवैये पर सवालिया निशान भी खड़ा किया। लोगों का कहना है कि शहर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कोई खास कदम नहीं उठा रहा। वही वेदर अपडेट के बारे में बता दें तो दिल्ली में गिरा है पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, जानिए देश के मौसम का हाल। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से उत्तर भारत के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गिरते तापमान के बीच दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। और गाजियाबाद, लखनऊ में कोहरे का कोई पूर्वानुमान नहीं है। फिलहाल आपको बता दें आने वाले 24 से 48 घंटे के बाद ठंड का एहसास होगा, यानी जो पहाड़ों पर सर्द हवाएं चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वह यूपी में अवैध धर्मांतर पर योगी का सख्त रुख अपनाया हुआ है, लगातार कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अवैध धर्मांतर पर 291 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 507 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। यानी योगी सरकार इस पर सख्त है और धर्मांतर पर योगी सरकार सख्त होने की वजह से 507 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।